मुंबई पहुंच के भी इतने पास होकर भी अपनी माँ से फोन में बात करना, इससे बड़ा दिल का दुख दर्द क्या है। सो गाइस, ब्यूटीफुल वेदर इन मुंबई एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डे टू क्वारंटीन इन JW मैरियट। बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है ये, पर बाहर जाने का कुछ है ही नहीं, वरना अगर बाहर जाने का मौका मिलता तो मैं वहाँ टेरिस पे जरूर जाता। बस मैं यहाँ का पर्दा खोल के हर एक जगह देखता रहता हूँ, कोई पर्दा खोले तो हाई बोल देता हूँ, यही अभी का सीन है। सो गाइस, अभी सब यही ऐसे ही चल रहा है, तो मैं यहाँ का आपको सीन बता देता हूँ। यहाँ पर सीन ऐसा है कि आपको अपने रूम के अंदर ही रहना है, चाहे आप कुछ भी उखाड़ लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कितने बड़े बाप के औलाद हो। एक मिनट, मुझे किसी कॉल आ गया। तो चाहे आप कितने बड़े शॉट हो, आपको क्वारंटीन में रहना ही है, जैसे हम लोग रह रहे हैं। एवरी सीफरर्स आउट हेयर, 17 सीफरर्स हैं जो मेरे साथ हैं, जो सब लोग इस फ्लोर पे हैं, बेचारे कई नीचे भी हैं, हम लोग किसी से कोई मिल नहीं पा रहा है। अभी सेकेंड डे है मेरा, और सेकेंड डे में मैंने अभी तक नहाया नहीं हूँ, कुछ नहीं किया है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपना क्लास 2 का ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लिया आज से। मैं सोच रहा हूँ कि टाइम वेस्ट ना करूँ तो जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाएगा। मेरे 4 महीने क्लासेस हैं, बट वो सब छोड़िए, वो सब चलता रहेगा, इसलिए मैं इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया अभी। रूम की हालत थोड़ी सी अच्छी है, रूम बहुत ही अच्छा है। ये बाथटब है, यहाँ पर मैं कल नहाया था, बहुत ही मज़ा आया था मेरे को। एंड लग्जरी, एवरीवेयर लग्जरी मैन। पर क्या अचार डालोगे इस लग्जरी का, कितने दिन रह लोगे इस लग्जरी में, मुझे बताओ। हैं, पहले मैं बहुत सोचता था कि यार बाथ टब होना चाहिए यार, रेस्टोरेंट में जाओ भी, होटल में जाएंगे, बाथ टब होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। अभी वही है, मज़ा आ रहा है, बट कितना मज़ा लोगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन में तो बोर हो ही जाओगे गाइस। तो क्या करें, अभी मेंटल था थोड़ा हो रहे हैं, जहाज़ में भी उतना ही प्रेशर, अब यहाँ पर आकर भी उतना ही प्रेशर। हमको एक्चुअली साइन ऑफ करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई है। एक्चुअली प्रॉब्लम उतनी नहीं आई, कहीं रोका वोका नहीं गया, बिकॉज वी आर सीफरर्स एंड दे नो इट। इफ़ दे आर अलाउइंग अस टू गो फ्रॉम वन कंट्री टू अदर तो प्रॉब्लम नहीं आती है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। फ्लाइट्स डिटेल्स, फ्लाइट वेटिंग, फ्लाइट फिर तेरा एयरपोर्ट पर वेट करना, मतलब तो मैंने मस्त सी नींद ली है। कल दोपहर में भी सोया था, जैसे कि आपको लास्ट व्लॉग में पता लगा, अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देख लें। और फिर आज भी मैं मस्त सोया दुबह। अभी का नेक्स्ट प्लान मुझे कुछ पता नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि 2 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले मैं अपना जो भी है कर लेता हूँ। ओके, हाय, बोलो, आप वीडियो में आ रहे हो। सो गाइस, आई एम टॉकिंग टू माय मॉम। मुंबई पहुंच के भी इतने पास होकर भी अपनी माँ से फोन में बात करना, इससे बड़ा दिल का दुख दर्द क्या है, है ना अम्मी? और क्या, तो कब तक मैं अभी उड़ के आ जाए? हैं मम्मी, आ नहीं रहे? आ नहीं रहे हो लेने के लिए? तू ही तो बोल रहा नहीं आ सकते लेने। हाँ, नहीं आ सकते, बताऊंगा मैं आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो गाइस, अगर आप यहाँ के लोकल हो या फिर कहीं के भी हो, अगर आप इंडिया आ रहे हो तो आपको क्वारंटीन करना ही है 7 दिन का। नहीं, एयरपोर्ट पे जा सकते हो ना, बट अगर होटल से जाना है तो आप फैमिली मेंबर्स अलाउड नहीं है। मैं बताऊंगा क्या होता है। ओके, वो भी है, वो भी है। सो गाइस, मैं ब्रेकफास्ट तो कर लिया, पर मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या सीन है। बेल बजाएंगे वो लोग बाहर से, उसके 2 मिनट के बाद आपको ऐसे दरवाज़ा खोलना है, और देखिए हर दरवाजे के बाहर एक टेबल रखा है, उस दरवाजे के बाहर भी एक टेबल रखा है, उस दरवाजे के बाहर भी टेबल रखा है, और पूरा सुनसान है, ना बंदा ना उसकी बंदी की जात। ये आपके सामने होगा, इसको आपको उठाना है, अंदर ले जाना है, खाना है और बाहर रख देना है, बस। इससे ज़्यादा आप कुछ भी फरमाइश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट मुझे पता है हर फरमाइश में ना ही है। बट खाना जो है इन लोगों का औसम दे रहे हैं लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं है कि खाना बेकार है, वेरी गुड खाना। JW मैरियट, थम्स अप फॉर दैट। आई नो नो वन इज़ कमिंग, नो वन इज़ सीइंग, वो लोग भी अफ्रेड हैं, सही बात है, हम लोग भी अफ्रेड हैं, पूरी दुनिया अफ्रेड है इस वायरस से, कुछ नहीं कर सकते, तो जैसा प्रोसीजर है वैसा ही हमको फॉलो करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज़, अगर घंटी सुनाई नहीं दी, जो मुझे कल नहीं दी थी क्योंकि मैं सो गया था, तो आपका खाना ऐसे ही रखा जाएगा, और ये पूरा खाना जो आप खाकर बाहर रखेंगे, रात को ये लोग साफ करते हैं। रूम आपका 7 दिन तक कोई एंटर नहीं करेगा, गंदा अगर कर रहे हो आप तो गंदा होता जाएगा।
जैसे कि आपको पता है मैं बहुत गंदा करता हूँ, रूम तो ऑलरेडी बहुत गंदा हो चुका है, रूम हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी ओके फॉर दैट। सो गाइज आई हैव सेट एवरीथिंग अप हियर, एज यू कैन सी लैपटॉप एंड एवरीथिंग। तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस अभी 2 बजे शुरू होगा, अराउंड 5 मिनट और बचे हैं, 5 मिनट के बाद हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाले हैं। ये कर दिया मैंने ज्वाइन क्लास। नाउ दिस क्लास मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम, वैसे भी कुछ उखाड़ नहीं सकता हूँ मैं इस क्वारंटीन या फिर जो भी है। सो आई थिंक दैट इट इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं ये सब कर सकता हूँ विदाउट वेस्टिंग माई टाइम, एंड आई विल बी कीप अपडेटिंग यू गाइस। तब तक मैं क्लास कर लेता हूँ। खुद देखिए कि आप उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं, यदि आप उसको पढ़ सकते हैं तो भेजिए, नहीं तो मत भेजिए, क्योंकि हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। वो रखने के लिए नहीं है हमारे पास कि आपने कुछ भी भेज दिया हम रखे हुए, हाँ एक्स वाई जेड का आ गया है। सो गाइस मैनी ऑफ देम वो आस्किंग कि मेरे भाई का चैनल का नाम क्या है, दैट इज़ कैप्टन चौकाश। अभी एक्चुअली मैं उसकी वीडियोस बहुत मिस कर गया हूँ, तो मैं अभी सोच रहा था कि अभी उसकी वीडियोस थोड़ा देखता हूँ। ये वाली ये सब वीडियो उसने बहुत ही अच्छी बनाई है, मैंने आधी देखी है बट आधी मुझे देखनी है। एंड वो टाइम्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं सब इसने एक्सप्लेन किया हुआ भाई ने, मेरी फ्लाइट है मेरे से भी अच्छी बनाई लॉन्डे ने, तो ये चीज का भी ध्यान रखना। ऑसम ब्रो भाई साहब आ रहे हैं। सो गाइज फाइनली आज की दिन की क्लास जो है वो ख़त्म हो गई है। अभी मेरा मन कर रहा है थोड़ा मैं नहाऊंगा मस्त बाथ टब में, क्या बोलते हो? मैं एक्चुअली सुबह से नहाया नहीं हूँ, छी सुबह से नहाया नहीं हूँ मैं भाई, आलस भरा पड़ा है, ऊपर से क्लास कर रहा हूँ, ऊपर से इतना काम है, इतना स्ट्रेस है, कैसे नहाऊंगा मैं। मुंबई में जैसा आप देख रहे हैं फिर से बहुत ही तेज बारिश शुरू हो चुकी है, धनाधन यहाँ पर वाइपर भी नहीं लगा है, वरना मैं वाइप करके थोड़ा अच्छे से क्लियर भी होता, बट क्या करें। तो भाई जल्दी से हो जाओ शुरू, और ये हमने कर दिया बंद, गर्मा गर्म पानी आ रहा है, इसको भरेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इसमें खुद जाएंगे। सो गाइस नहाने से पहले मेरा जो लंच है जो मैंने खाया था वो हम बाहर करते हैं। अरे यार एक हाथ में कैमरा, इसको निकालें कैसे, ये लंच। ओए इधर घूम रहे हो, टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा क्वारंटाइन में ये चल रहे हैं आप? हाँ, क्या कर तो रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? चिपक के मार के रखी है आपने उसमें तू भी तो है, कहाँ हो, जा कहाँ रहे हो? नहीं मैं एक जैसे नहाने जा रहा हूँ, पर मैंने आप लोगों को सुना है। चलो भाई अपना टब जो है भर गया है, उससे पहले हम लोग वेट चेक कर लेते हैं। वेट चेक, वाह मेरा वेट आ रहा है 71, बाप रे, जहाज से पहले मेरा वेट था 75 kg, अभी हो गया है अराउंड 70, मतलब 4 kg 5 kg कम, नो प्रॉब्लम।